और भी छोटी बड़ी ट्रेवल कंपनीज इन पैकेजेस को निकाल रही है, लेकिन इन सब पैकेजेस का सर्वे करने के बाद मेरे को पता लगा कि इनकी कॉस्ट भी सही नहीं है और जो इसमें चीजें बताई गई है वो भी आपको लगभग लगभग पागल बना रही है। इसलिए वाईटी भारत जो आपका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है आपको सही असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, आज आपके लिए एक बार फिर से कश्मीर का एक ऐसा पैकेज बना करके लेकर के आया हूँ जो आप अगर बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे कम दामों पर और बेस्ट सर्विसेज के साथ। सपोज अगर आप मेक माई ट्रिप से बुक करवाते हैं तो सेम होटल सेम सर्विसेज के साथ लगभग आपको 5,000 से 7,000 रुपए ये कम पैकेज मिलेगा। अगर IRCTC की बात करें तो लगभग 10,000 रुपए सेम होटल और सेम सर्विसेज के टर्म्स में लगभग आपको कम मिलेगा, बट कई होटल भी उससे काफी अच्छे हो सकते हैं। हमारे इस वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से अगर आप पैकेज बुक करवाना चाहते हैं तो देर किस बात की, सबसे बड़ा सीजन आने वाला है कश्मीर अगर आप घूमना चाहते हैं, क्योंकि बर्फबारी भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए अभी से आपको अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक करवा लेनी चाहिए क्योंकि नवंबर के स्टार्टिंग से ही स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में फ्लाइट की अभी टिकट बुक करवाओगे तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पैकेज भी बुक करवाना होगा। ऐसी रिक्वायरमेंट देखते हुए वाईटी भारत पर मैं आज अपने वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर से कश्मीर का एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज आप लोगों के लिए बनवा करके लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको ये कश्मीर का सबसे अच्छा और सस्ता पैकेज बताना स्टार्ट करते हैं वाईटी भारत पर। आइए दोस्त, आइए दोस्तों अब आपको इस पैकेज की टूर आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप पैकेज की वैलिडिटी को ध्यान में रखिए। 1 सितंबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में इस पैकेज की आइटनरी वैलिड है, इस पैकेज के रेट्स वैलिड हैं। अगर आप कभी भी ट्रेवल पार्टनर को कॉल करें तो इन वैलिडिटी डेट्स को ध्यान में रख करके ही कॉल करें। कश्मीर टूर पैकेज 5 नाइट 6 डेज का आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें 3 नाइट श्रीनगर के अंदर आपका होटल का स्टे होगा, 1 नाइट पहलगाम होटल में आपका स्टे होगा और 1 नाइट श्रीनगर की हाउस बोट में आपका स्टे होने वाला है। दोस्तों इस पैकेज को ट्रैवल कंपनी ने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें आप देखें तो स्टैंडर्ड है जो सबसे सस्ता है, डिलक्स उससे महंगा और नीचे सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी आ रही है। किसी भी कैटेगरी के पैकेज को आप अपनी पॉकेट के बजट अनुसार बुक करवा सकते हैं। श्रीनगर की बात करें तो होटल शिफाफ रीगल पैलेस या इससे सिमिलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टैंडर्ड में। पहलगाम की बात करें तो मंटू कॉटेज या इससे सिमिलर हाउस बोट आपको स्टैंडर्ड हाउस बोट प्रोवाइड की जाएगी स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर। डिलक्स के लिए आप स्पिन को पॉश करके देख सकते हैं। और अब चलते हैं, मैं आपको सुपर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी के होटल को भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों देखिए सुपर डिलक्स के अंदर श्रीनगर के अंदर पहलगाम और हाउस बोट में ये चीजें अवेलेबल हैं, प्रीमियम में ये चीजें अवेलेबल हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को इस पैकेज के कॉस्ट फैक्टर। तो लगभग लगभग आपको 23,000 रुपए का पड़ रहा है 2 पर्सन का स्टैंडर्ड कैटेगरी। अगर हम 5 नाइट 6 डेज के कश्मीर पैकेज को बुक करवाते हैं, 4 लोग जाते हैं तो 38,000, 6 लोग जाते हैं तो 50,000, मतलब 8,250 के आसपास अगर आप 6 लोग हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट पड़ने वाला है, जो बहुत ही बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। दोस्तों मोस्टली जो लोग जाते हैं वो ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, फैमिलीज के साथ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाइए और अपने मनी को सेव करिए। और अगर आप कम लोग भी हैं, हनीमून पर जा रहे हैं, तो यह बेस्ट रेट है कंपेयर टू द अदर ट्रैवल कंपनीज। और फैसिलिटी के मामले में ये किसी भी इंडिया की बड़ी से बड़ी ट्रैवल कंपनी को फेल कर देगा। दोस्तों अब चलते हैं नीचे, आपको बताते हैं इस पैकेज की डिटेल आइटनरी। और मैं पहले बताता हूं इस पैकेज में कोई भी ट्रेन का फेयर या फ्लाइट का फेयर इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों अब चलते हैं डे वाइज आइटनरी में। सबसे पहले आप श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, आपको वहां से ड्राइवर पिकअप करेगा, होटल ले जाएगा, आप चेक इन करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए और श्रीनगर के सबसे सुंदर गार्डन, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल गार्डन है वर्ल्ड में, श्रीनगर का मुगल गार्डन, आप इसकी सैर करेंगे। एक बार आप जाएंगे तो आप
बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। निशंत गार्डन, इसके अंदर आपको मिलेगा द गार्डन ऑफ डिलाइट, शालीमार मिलेगा द गार्डन ऑफ लव, चश्मा शाही मिलेगा द रॉयल स्प्रिंग एंड कश्मीर लार्जेस्ट आलमंड गार्डन, एंड इवनिंग आपको वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा होटल में। दोस्तों मुगल गार्डन इन सेक्शंस में डिवाइड है, जो मैंने आपको बताया निशद, शालीमार, चश्मा शाही एंड कश्मीर लार्जेस्ट आलमंड गार्डन, तो ये सब एक कैटेगरी में डिवाइडेड है। इन सबको देखने के बाद वापस आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा होटल में। आप आराम करिए श्रीनगर के अपने होटल में और अगले दिन के लिए तैयार हो जाइए, जो है आपका सेकेंड डे जो आपका होगा श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए। दोस्तों इसे हम सोनामार के नाम से भी जानते हैं। 87 किलोमीटर है श्रीनगर से, 3 घंटे की जर्नी होगी, 2800 मीटर अबव है सी लेवल से। दोस्तों इसे हम गोल्डन मिडो के नाम से भी जानते हैं, जो सिंध रिवर के हेड पर है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं इसमें आप क्या क्या प्लेसेस घूम सकते हैं। सिंध रिवर, एप्पल वैली, फिशिंग पॉइंट, राफ्टिंग पॉइंट, गंगा, गिर और वाड़े कनाल, ऐसी जगहों पर आप जाकर के एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ये डे आपका होने वाला है। दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, वन कैन एंजॉय दिस बाय पोनी और लोकल यूनियन कैब ऑन डायरेक्ट पेमेंट बेसिस। आप इस पैकेज की कॉस्ट से हट करके अगर इन जगहों पर घूमना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं है जो हमारी टैक्सी जाएगी, तो आपको वहां पर लोकल यूनियन की कैब को हायर करना होगा एक्स्ट्रा पेमेंट बेसिस पर। अब दोस्तों चलते हैं डे 3 पर, जिसमें आप जाएंगे श्रीनगर से गुलमर्ग और वापस श्रीनगर सेम डे आपका रिटर्न होगा। अगर आप गुलमर्ग के अंदर स्टे करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कंपनी से बात करिए, क्योंकि गुलमर्ग के होटल की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी वजह से पैकेज की कॉस्ट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। इसलिए अगर आप इसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कंपनी से बात करें। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप निकलेंगे गुलमर्ग के लिए वाया तनमर्ग होते हुए द मिडोज ऑफ फ्लावर, 56 किलोमीटर है श्रीनगर से, 2690 मीटर अबव है सी लेवल से। दिस इज इंडियाज प्रीमियर स्की रिजॉर्ट इन विंटर। अगर हम सर्दियों की बात करें तो इंडिया के सबसे प्रीमियर स्की रिजॉर्ट यहीं पर अवेलेबल हैं, और वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी यहां पर है, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट गंडोला केबल कार राइड, जिसमें 2 लेवल हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर इसमें डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर सफर करना होगा। दोस्तों बर्फबारी की बात करें तो सेकंड लेवल बंद हो जाता है, फर्स्ट लेवल ही ओपन होता है। सेकंड लेवल खास करके गर्मियों के दिनों में स्टार्ट होता है, आप सेकंड लेवल पर जाकर के बर्फ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों की बात करें, जब स्नोफॉल पड़ती है, तो आपको फर्स्ट लेवल पर ही बहुत ज्यादा एंजॉय आने वाला है। मैं रिकमेंड करता हूं कभी भी जाइए तो फर्स्ट लेवल जरूर करके आइए। क्या क्या हाईलाइट है इस डे की, चेरी वैली, एप्पल वैली, तनमर्ग गोल्फ कोर्स, जय जय लक्ष्मी मंदिर, वॉलनट फील्ड, राइस फील्ड, इस दिन आप घूमेंगे। अब दोस्तों चलते हैं डे 4 पर, श्रीनगर से पहलगाम इस दिन आप निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। 95 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ श्रीनगर, 2400 मीटर है अबव सी लेवल से। द टाउन ऑफ पहलगाम, जिसे हम विलेज ऑफ शेफर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपको प्रोवाइड करता है। एल्पाइन पीक्स आपको देखने को मिलेगी एंड शेषनाग रिवर थंबलिंग करते हुए वहां पर पिक्चरस्क्यू डीप कंट माउंटेन वैली आपको मिलेगी। इट इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ फेमस अमरनाथ केव का, ये एक एंट्री पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो होली साइट है हिंदुओं के लिए। यह टेंपल लगभग अवंतीपुरा का 1100 ईयर्स ओल्ड है, डेडिकेट टू लॉर्ड विष्णु। अवंतीपुर वाज फाउंडेड बाय किंग अवंती रमन। द साइट हैज टू टेंपल, यहाँ पे 2 टेंपल आपको मिलेंगे। द लार्ज वन इज शिवा। अवंतीस्वारा इज मार्क्ड बाय मैसिव वॉल्स सम हाफ अ माइल बीनीथ द टाउन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विलेज जबरार। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर घूमने की मिलेगी। इसके अंदर आप जाएंगे सैफ्रॉन वैली, मटन मंदिर, बाट फैक्ट्री, एप्पल वैली, लीडर रिवर, अवंतीपुरन रेंज एंड राफ्टिंग पॉइंट। इन जगहों पर घूमने के बाद आप वापस आएंगे, और डे 5 की अगर हम बात करते हैं तो पहलगाम साइट सींग होगा और वापस आप चलेंगे श्रीनगर के लिए। ब्रेकफास्ट करिए, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पूरा दिन घूमने के बाद पहलगाम से। द रिजॉर्ट इज सराउंडेड बाय वैली, विजिट विल बी डायरेक्ट पेमेंट बेसिस आप कर सकते हैं। वन कैन एंजॉय दिस प्लेसेस बाय हायरिंग यूनियन कैब, आप खुद डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर इन प्लेसेस को घूम सकते हैं। क्या क्या प्लेसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर के अंदर हजरत बल, शंकराचार्य टेम्पल, जामा मस्जिद,
परी महल एंड इवनिंग आप वापस आ जाएंगे, और शिकारा राइड आपको जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है वो आपको करने को मिलेगा, और इसके बाद आप ओवरनाइट स्टे करेंगे अपनी हाउस बोट के अंदर। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपका इस पैकेज में होने वाला है। श्रीनगर हिस्टोरिकल प्लेसेस आप घूमेंगे इस दिन, हजरत बल शंकराचार्य टेम्पल, जामिया मस्जिद, परी महल, शिकारा राइड करेंगे, और डल लेक में ही आपका स्टे होगा हाउस बोट के अंदर। अब चलते हैं डे 6 पर, इस दिन आपका डिपार्चर होगा श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखिए जो आपको कंफ्यूज कर सकता है किसी अदर कंपनी से अगर आप पैकेज लेते हैं, नोट करिए ऑल पोनी राइड एंड यूनियन कार आपको खुद डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर करनी होगी, उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अदर ट्रैवल कंपनीज इस चीज को हिडन कर लेती हैं और वहां पर जाकर के आपको पता लगता है कि पैकेज की कॉस्ट से एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी है, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों वहां पर आप खुद की कार चला नहीं सकते, इसलिए यूनियन कार आपको वहां पर लेनी होती है या पोनी राइड। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है पैकेज में। अकोमोडेशन आपको मिलेगा डबल शेयरिंग बेसिस पर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलेंगी जिसमें टोल टैक्स, ड्राइवर अलाउंस, बाटा पार्किंग, फ्यूल चार्ज सब इंक्लूडेड है। फूड फैसिलिटी की बात करें तो ब्रेकफास्ट, डिनर और स्टे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शिकारा राइड आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी जो एक घंटे की होती है डल लेक के अंदर। इस पैकेज के सभी टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप किसी भी अदर छोटी या बड़ी ट्रैवल कंपनी से बुक करवाते हैं तो आपसे टैक्सेस भी मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन कर लिए जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखिए। पिकअप एंड ड्रॉप आपको प्रोवाइड किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट से। टूर कॉस्ट के एक्सक्लूडेड मतलब क्या क्या शामिल नहीं है, कोई भी एयर फेयर या ट्रेन फेयर, जो भी मील आप बाहर करते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। गाइड एंड एंट्रेंस फीस ड्यूरिंग साइट्स आपको खुद पे करनी पड़ेगी। एनी अदर आइटम जो टूर कॉस्ट में नहीं बताया गया वो आपको पे करना पड़ेगा, कोई भी टेलीफोन कॉल, लॉन्ड्री, लिकर एक्सेट्रा आपको खुद बियर करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप पेमेंट करते हैं तो 30 डेज या बिफोर ट्रैवल के आपको 25% लैंड पैकेज और नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट इफ एनी। बाकी इन सभी जानकारियों के लिए आपको ट्रैवल कंपनी को कॉल करना है और पैकेज बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कुछ एडवांस पेमेंट करनी है और बस बुक हो गया आपका पैकेज। दोस्तों बहुत ध्यान में रखिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अक्टूबर, क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी एंड में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अभी से इन पैकेज को बुक करवाइए, साथ में फ्लाइट्स की टिकट बुक करवाइए क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट अभी सस्ती मिलेंगी आपको और पैकेज की कॉस्ट भी अभी आपको कम ही मिल रही है। जैसे जैसे सीजन आएगा हो सकता है इस पैकेज की कॉस्ट में बदलाव आए हैं। मिलते हैं दोस्तों वाईटी भारत के इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव अगले वीडियो में। वाईटी भारत को बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार।